जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अध्यात्म मीडिया के प्राचीन ब्रज दर्शन के श्रृंखला में आज हम पहुंचे हुए हैं ब्रज के प्राचीन दर्शन, अति प्राचीन दर्शन और पौराणिक और चमत्कारी माँ भगवती चंद्रावली। माँ चंद्रावली का नाम क्यों पड़ा, ये कौन है और आज भी ये पीपल वृक्ष के नीचे क्यों है। ब्रज के शारी मंदिर गर्भगृह है, लेकिन यहाँ माँ का जो छत है वो आसमान है और जो आसन है वो धरती है। आखिर ऐसा क्यों, कोई ना कोई चमत्कार तो जरूर होगा। चलते हैं यहाँ के पुजारी जी से और बात करेंगे कि आखिर माँ का यह चमत्कार क्या है, इनकी आज तक गर्भगृह कोई मंदिर तो नहीं बन पाया, माँ चंद्रावली को यही पसंद क्यों है। तो हम सच्चे मन से सच्चे दरबार की जय, चंद्रावली मैया की जय। आप अपने घर पे बैठे हुए आप ब्रज के प्राचीन दर्शन का आनंद ले रहे हैं और इस दर्शन को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे, क्योंकि अध्यात्म मीडिया का अभी जो श्रृंखला यात्रा दर्शन चल रहा है ये ब्रज 84 कोस दर्शन, जैसे कि मैं आपको हर तरह का दर्शन, प्राचीन दर्शन, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन आप इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, आज करेंगे चंद्रावली माता का दर्शन और पूछेंगे यहाँ का इतिहास क्या है कि ये चंद्रावली माँ कौन है, क्या ये ब्रज के प्राचीन देवी हैं और आज ये मंदिर के इनकी मंदिर क्यों नहीं बन पाया। ये चंद्रावली मैया है जो राधा रानी की सखी है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जनाना वेश पहन के इनको गाँव रिथोरा से छल के लाए थे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ जो है पहले घोर जंगल हुआ करता था, यहाँ जो है छुपा के बैठा गए सखी, आप जो है यहाँ बैठिए, हम जो है गोकुलनाथ जी के दर्शन होते आते हैं। अच्छा, भगवान वहाँ जाके अपनी पूजा सेवा में लीन हो गए, इनको भूल गए। जब इनको यहाँ काफ़ी समय हो चुका था बैठे हुए, तो इन्होंने अपनी शक्ति द्वारा भगवान के पास खबर की। अच्छा, तो भगवान यहाँ आए तब तक यहाँ चंद्रावली आदि स्वयं पत्थर की बनी थी। अच्छा, मतलब इतनी साधना और तपस्या इनकी हो चुकी थी कि शरीर इनकी पत्थर की बन गई। अच्छा, तो ये वो राधा रानी के सखियों में है चंद्रावली। राधा रानी की सखी हैं और जो राधा रानी की ये बहन भी है। बहन भी हैं? हाँ जी। ये किस नाते? ब्रजवान और चंद्रवान दो भाई थे। अच्छा, तो ब्रजवान की तो राधा थी और चंद्रवान की ये चंद्रावली थी। वाह क्या बात, एक नई बात, बहुत सुंदर जिज्ञासा। महाराज जी, आज तक माता का जो मंदिर क्यों नहीं बन पाया, आखिर इसका वजह क्या है? यहाँ जो पत्थर की बन चुकी थी, तो इन्होंने अपनी शक्ति द्वारा भगवान के पास खबर की, तो भगवान यहाँ आए, बोले सखी हम गलती हो गई हमसे, चलो हमारे साथ। तो मैया ने कहा, भगवान हमको यहाँ काफ़ी समय हो चुका है, घर जाएंगे हमारे घर वाले कोसेंगे हमको, इसलिए आप हमको धरती माँ से यहीं जगह दिलवाइए। तो भगवान ने इनके लिए यहीं जगह दिलवाई। तो पुजारी जी, जैसे कहने का मतलब है कि हर मंदिर में देवी या देवता जो भी हैं उनकी मंदिर है, छत है, आज तक यहाँ पर मंदिर क्यों नहीं बन पाया, माता का इच्छा नहीं है?
माता की मंजूर नहीं है मंदिर यहाँ बनाना। अच्छा, ऐसे बनाने वाले काफ़ी आए होंगे? बनाने वाले आते हैं काफ़ी जी, उनको फिर स्वयं मैया पहुंचकर अपने परिचय देती हैं। अच्छा, तो माँ का विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए क्या श्रृंगार, क्या भोग, क्या सेवा होता है? वो तो अपनी अच्छे अनुसार होता है। अच्छा, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करो, माता का श्रृंगार करो या भंडारा करो। आपका शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश पुजारी जी ने अभी हम सबको ये बताया कि ये माँ को मंजूर नहीं है, जो मंदिर बनाने के लिए संकल्पित होते हैं उन भक्तों के घर जाकर के माँ खुद परिचय देती है और ये उन्हें बताती हैं कि हमें मंदिर पसंद नहीं, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं और ब्रज के गलियों में, ब्रज के उस धरती पे ही, ब्रज के वृक्ष लता पता के बीच में ही बैठना चाहते हैं। और माँ आज भी आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार माँ का दर्शन कराएं आप। ये चंद्रावली माता है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे शर्वार्ध साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। आप घर बैठे ब्रज की अति प्राचीन माँ भगवती का दर्शन कर रहे हैं, वो चंद्रावली माता का। अध्यात्म मीडिया की इस दर्शन को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और यहाँ जिस पुजारी जी से मैंने बात किया, वो पुजारी जी यहीं रहते हैं और अपना नाम भी आपको बताएं। आप कभी आएँ तो इनसे मिलें और माँ के मनोरथ सेवा भक्ति भावना से जो भी हो, श्रद्धा सहितम, जो श्रद्धा हो, श्रद्धा और सहित से भक्ति की जा सकती है। इसलिए आज आपको बहुत सुंदर ब्रज के प्राचीन माँ भगवती चंद्रावली का दर्शन हमने कराया। आप इस दर्शन को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और फिर हम मिलेंगे आपसे ब्रज के उन प्राचीन दर्शनों को लेकर जहाँ नटखट गोपाल कान्हा वंशी वाले राधा रानी अष्टसखियों के साथ लीला किया करते थे। बने रहिए हमारे साथ चंद्रावली से। कैमरा पर्सन सौरभ पंडित के साथ मैं कन्हैया पांडे, राधे राधे।